तरीके से पूरी परीक्षा को निरस्त करने की नौबत आई, किस तरीके से पूरा पेपर लीक हुआ, किस तरीके से अब आरपीएससी को नोटिफिकेशन तक जारी करना पड़ा है कि पारी का जो पेपर था पहली पारी का वो हो गया निरस्त। मुख्यमंत्री तक इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अनूप हमारे सहयोगी लगातार बने। अनूप, ये तो रही जांच की बात, लेकिन अभ्यर्थियों की नाराजगी किस पैमाने पर देखने को मिल रही है? जिन्होंने सपने देखे थे, जिनके सपने टूटे हैं, जिनके साथ कुठारघात हुआ है, उनके क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अनूप जी हाँ, देखिए सुबह से ही जितने भी अभ्यर्थी थे परीक्षा निरस्त होने के बाद से उन सब के अंदर आक्रोश का माहौल था। उनका यही कहना था कि दूर दराज 100-200-300 किलोमीटर दूर से हम परीक्षा देने के लिए आए हैं, कई तो रात को चले, कई यहाँ पर सुबह पहुँचे, और उसके बाद में जब परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं, परीक्षा हॉल के अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद के अंदर उनको निराशा हाथ लगती है कि अब परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, यह परीक्षा निरस्त की जाती है, यह परीक्षा आने वाले दिनों में जब सरकार अगली विज्ञप्ति निकालेगी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरपीएससी अगली विज्ञप्ति जारी करेगा, उसके बाद इस परीक्षा को करवाया जाएगा। इसी के साथ ही जो पुरुष और महिला है वो दोनों ही यहाँ पर व्यथित नजर आते हैं, आए थे, और इसी के चलते उन्होंने एक बार जो शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान है उनके घर का घेराव करा था, और अब से कुछ ही देर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आक्रामक मोड़ पर आ चुकी है। अब से कुछ देर बाद के अंदर वो भी जो जाहिदा खान है शिक्षा राज्य मंत्री उनके घर के ऊपर जाकर के विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा जो खामियाजा उठाना पड़ा वो उठाना पड़ा अभ्यर्थियों को यही कहना था कि मोटी मोटी फीस दे करके हम कोचिंग क्लासेस के अंदर पढ़ाई करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, और जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि पेपर ही आउट हो गया, ऐसे में उनको पैसों का भी नुकसान होता है और अब और भी कई तरीके की परेशानी उठानी पड़ती है। जी जाहिर तौर पर अनूप, परेशानी तो उनको उठानी पड़ती है, लेकिन विभाग के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, आरपीएससी की तरफ से इस बाबत क्या जानकारियां दी गई हैं कि ये जो पेपर आज रद्द हुआ है, इस पेपर के रद्द होने का असर, प्रभाव उन अभ्यर्थियों के भविष्य पर नहीं पड़ेगा जिन्होंने पेपर देने का सपना देखा था, जब सुबह जो है कलम लेकर पहुंचे थे परीक्षा लिखने के लिए? क्या आश्वासन दिया गया है, क्या होगा आगे, क्या इंतजाम, कैसे कंपनसेट करेगी सरकार, कैसे करेगा विभाग? जी हाँ, देखिए अभी तक ऐसी कोई अभ्यर्थी उनको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि सुबह का जो पेपर आउट हुआ यह पेपर आगामी दिनों में कब करवाया जाएगा, कितनी बजे करवाया जाएगा, परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, इस तरीके की कोई भी इनके पास में जानकारी नहीं है। और वहीं अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि अगर यह परीक्षा और ज़्यादा लेट होती है तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो जाएंगे, जो कि इस परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं, उनको इस बात का भी डर सता रहा है। उन्होंने यही बात कही कि सरकार इस परीक्षा के अंदर उम्र के अंदर थोड़ी सी, अगर यह एग्जाम दोबारा से थोड़े दिन बाद के अंदर या और समय बाद के अंदर होता है तो इसके अंदर थोड़ी सी शिथिलता देवे उम्र के अंदर, जिससे कि वो इस एग्जाम के अंदर दोबारा से बैठे। और जो जितने भी अभ्यर्थी थे उनके चेहरे इतने ज्यादा मायूस यहां पर मतलब कि नजर आए, जो कि देखते ही बन रहे थे कि कईयों के तो यहां पर आंसू तक निकल करके आ गए, जो कि यहां पर परीक्षा केंद्र के बाहर रोते हुए नजर आए। जी जाहिर तौर पर अनूप, और आंसू तो निकलेंगे ही भाई, वो तो तैयारी के साथ गए थे पेपर देने, और उससे ठीक पहले अगर इस तरीके की खबर आ जाती है तो उनका क्या होगा? जिन्होंने तो 10-10 लाख रुपए दिए थे वो तो भले निश्चिंत थे कि हाँ भाई हमने 10-10 लाख रुपए दे दिए, अब हम पास हो जाएंगे, लेकिन वही होता है, होने को कौन टाल सकता है, सारे के सारे धर दिए गए और अब उनसे जांच हो रही है। लेकिन उन परीक्षार्थियों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत की, जो मेहनत कष्ट है, जिन्होंने पैसे देकर जो है कोचिंग ज्वाइन की, पढ़ाई की, उसके बाद में परीक्षा देने गए, अब ऐसे में उनके सपने टूटे हैं, अब उसका खामियाजा कौन भरेगा, अब उनके लिए क्या कंपनसेट किया जाएगा, बड़े बड़े दूर से पहुंचे थे उसका किराया उनको कौन देगा, गरीब घरों के बच्चे हैं, परेशान हुए हैं, रात रात भर जगे हैं। अब ऐसे में जो हम देख रहे थे, अभी आपने बात भी की उपेन यादव से, अनूप आपने बात की, वो लीड कर रहे थे, अब ऐसे में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर का घेराव भी किया गया, तो उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है शिक्षा मंत्री की तरफ से, या प्रदर्शन अभी जारी है? अगर जारी है तो आगे क्या स्टेप उठाएगा ये पूरा उदय उपेन यादव के साथ जो तमाम अभ्यर्थी थे, उनका अगले कदम क्या होगा इस लगातार आ रही पेपर लीक की घटनाओं को लेकर? जी हाँ, देखिए उपेन यादव के साथ के अंदर जितने भी अभ्यर्थी थे वो जाहिदा खान के मकान पर गए थे, वहाँ पर उनके घेराव करने की कोशिश करी, लेकिन जाहिदा खान अपने मकान पर नहीं थी, और इसी बीच के अंदर पुलिस आती है, पुलिस समझाइश करती है, और जो जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबको
जाहिदा खान के मकान से बाहर लेकर के आते हैं। इसी दौरान जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि सुबह का पेपर ही लीक हुआ है, शाम का जो अभी जो एग्जाम होने वाला है दो बजे से जो एग्जाम शुरू होगा उस पेपर की क्या गारंटी है कि वो पेपर लीक नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन के अंदर बना हुआ है कि जब सुबह की पारी का पेपर लीक हो सकता है तो जो दोपहर की पारी का पेपर है वो भी तो लीक हो सकता है कि पुलिस को अब इस दिशा के अभी प्रिलिमिनरी फिगर 10 लाख सपोर्ट हुई है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके बारे में और क्लियरली कहा जा सकता है। अब आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जा रहा है जो प्रोसेस। तो लगातार जो पुलिस महकमा है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन किसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया सवाल ये उठ रहा है, किसकी लापरवाही है सवाल ये है, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए सवाल ये है, आरपीएससी में इतना भ्रष्टाचार है तो आखिर कैसे ये सब चीजें हो रही हैं और लगातार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं सवाल ये है, कार्रवाई किस पर हो रही है किस पर होनी चाहिए सवाल ये है। कई ऐसे सवाल हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था बाकायदा, ये बात यहां पर एसपी विकास शर्मा ने जानकारी दी है। इस परीक्षा को लेकर अजमेर उत्तर से विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से पेपर लीक कराने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, अब तक 11 पेपर लीक हो चुके हैं जिसके कारण युवाओं का मनोबल गिरता जा रहा है और उनमें काफी गुस्सा है, नाराजगी है जो प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को आज निरस्त कर दिया गया है। इसके एक पेपर के लीक होने की सूचना के बाद आरपीएससी ने शनिवार को हुए एक पेपर को लीक किया है जो प्रथम पारी में हुआ था। इस मामले में किस तरह से वासुदेव देवनानी जी इस पेपर को लेते हैं, किस तरह से इस पेपर को लेते हैं लगातार सरकार पर और निशाना साध रहा है? वैसे तो आरपीएससी की जितनी परीक्षाएं इसने पिछले दिनों करवाई हैं वे लगभग सब लीक हुई हैं, पेपर लीक हुआ है। और अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की ये 11वीं परीक्षा थी जो इसमें पेपर लीक हुआ है, उसका एक स्पष्ट कारण है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये नकारा निकम्मा सरकार है जिसको केवल अपनी सत्ता बचाने में सारी ताकत लगाए हुए हैं और नीचे क्या हो रहा है ध्यान देने की शायद इनके पास समय ही नहीं है। तो जो पुलिस की भर्ती थी वह भी लीक हुई, जो उनके हाथ में पेपर रहता है, न्यायिक परीक्षा लीक हुई, लाइब्रेरियन परीक्षा लीक हुई और सबसे बड़ी परीक्षा तो रीट वाली हुई और रीट में हमने कानून भी पास किया लेकिन उसके तहत कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर, चाहे मैं यदि कहूँ कि रीट की परीक्षा में स्पष्ट था कि मंत्री स्तर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सबको हम भी बच जाएंगे, इसके कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो लगातार जो है लीक जैसी मामले सामने आ रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपराधियों के हौसले बुलंद जैसी मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में विधायक वासुदेव देवनानी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है। कैमरा पर्सन विवेक शर्मा के साथ अशोक सिंह, जी मीडिया अजमेर। तो विधायक से लेकर समूचा विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है कि सरकार है वीक तभी हो रहा है पेपर लीक। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।